खरगोन जिले के सेगांव नगर के सामाजिक नारी शक्ति सोशल ग्रुप की महिलाओं ने जनपद कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार और जनपद सीईओ महेश पाटीदार को कोरोना के कहर को देखते हुए बंद पड़ी कचरा वाहन को फिर से शुरू करने की मांग की है। वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड क्रमांक 13 तक सार्वजनिक अवशिष्ट जल निकासी की मुख्य नालियों में सिग्नल यूज प्लास्टिक बैग के ढेर, ग्राम के पशुपालकों का बचा चारा भूसा और रहवासियों द्वारा सीधे कचरा डालने से मुख्य नालियां अवरुद्ध होकर गंदा पानी मुख्य रास्तों पर फैलते रहने से मच्छरों के द्वारा संक्रमण बीमारियों की आशंका बढ़ती जा रही है। उक्त मांगों को समय अवधि में पूर्ण किया जावे, वरना नारी शक्ति ग्रुप द्वारा आने वाले चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज हम सभी नारी शक्ति ग्रुप की महिलाएं सेगांव की तहसील में इकट्ठे एकत्रित हुए हैं। हमारा एकत्र होने का ये उद्देश्य है कि चूंकि अभी कोरोना वायरस संक्रमण बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है और सेगांव के अंतर्गत सफाई की, स्वच्छता की जिस तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है गांव में सफाई करवाने की। चूंकि विगत एक महीने से कचरा गाड़ी भी बंद है, जिसकी वजह से गांव में लोग जो हैं अपने घरों के बाहर अपने घर का कचरा निकाल करके दूसरों के घरों में इकट्ठा कर रहे हैं, जिसकी वजह से गांव में काफ़ी मात्रा में जो है कचरा फैल गया है। तो आज हम सभी महिलाओं ने एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है कि गांव में जो है कचरा गाड़ी का जल्दी से जल्दी निपटान किया जाए, उसको चालू किया जाए और गाँव में जो नालियां हैं, जो बहुत कच्ची नालियां हैं जिनकी वजह से गंदा पानी बाहर बह जाता है, प्लास्टिक्स बैग का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से पशु जो हैं वो खा लेते हैं, तो बस यही है कि सभी लोग मिलकर के स्वच्छता के लिए अवेयर करने के लिए कि भाई सभी गाँव में साफ़ सफाई जल्दी से जल्दी हो और ज़्यादा से ज़्यादा और पूरा गाँव स्वच्छ और साफ़ रहे। तो ग्राम पंचायत में आप लोगों ने इस संबंध में कोई चर्चा की, वो कचरा वाहन बंद है? हाँ, हमारी चर्चा पहले भी काफ़ी समय से हो चुकी थी, चूँकि बार बार जो है कचरा गाड़ी खराब हो जाती है, जिस वजह से 15 दिन एक महीना गाड़ी आती नहीं है और लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी निराकरण नहीं किया गया। क्या ग्राम पंचायत क्या इसका शुल्क लेती है वाहन? हाँ, ग्राम पंचायत सभी घरों से इसका 50 रुपये शुल्क लेती है महीना। ग्राम पंचायत से आपको क्या जवाब मिला? अभी तो यही है, हमने जब भी इसका हमने शिकायत करी है तो बस यही है कि गाड़ी खराब है, अब सुधर जाएगी। क्या नाम लिखते हो? रुचिता सोनी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।